ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को होने जा रहे हैं पूरे 100 दिन। सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर, और आज उनके साथ जुड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। ये नाम काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि रघुराम राजन वो शख्स हैं जो मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना तो करते ही रहे हैं, मगर उनका एक एक शब्द इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भविष्यवाणी का काम करते रहा है, एक संजीवनी का काम करते रहा है। क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है? इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना। तो उसमें रघुराम राजन क्यों जुड़ रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा मुद्दा होगा, नीतीश कुमार ने अब ऐलान कर दिया है कि 2025 के जो बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाले हैं। बहुत अहम खबर है, और ये जो दोनों खबरें हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसकी भी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रघुराम राजन कदम के साथ कदम मिलाते हुए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। बड़ा प्रश्न ये कि वो व्यक्ति जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे, वो सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने वाली भारत जोड़ो यात्रा के साथ आखिर क्यों जुड़ रहे हैं? तो इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि जब देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द ही नहीं होगा, जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे, जब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने धर्म को महान बताने के लिए आप दूसरे के धर्म की तौहीन करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था बेहतर कैसे हो सकती है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई नाम इस वक्त जुड़ रहे हैं, और जो जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं ना दोस्तों, उनके खिलाफ मानो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने सुपारी जारी कर दी है। याद कीजिए, जैसे ही पूजा भट्ट जुड़ती हैं, उनके बारे में अनाप शनाप प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया में जारी हो जाता है। मुख्यधारा का मीडिया भी उनके बारे में निहायत ही अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करता है। स्वरा भास्कर, वो तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, उनको लेकर किन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करता है, तो उन पर भी हमला शुरू हो गया था। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रघुराम राजन के आने के बाद आज शाम प्राइम टाइम जब आप देखेंगे तमाम न्यूज चैनल्स में, आप देखिएगा उनके खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। मगर बड़ा प्रश्न ये, क्या रघुराम राजन को लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जो तमाम लक्ष्य हैं, तमाम मकसद हैं, उसमें एक ये है कि देश का लोकतंत्र कमजोर हो गया है और उसे मजबूत बनाने की जरूरत है, सरकारों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। तो रघुराम राजन को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि देश को सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है? उन्हें क्यों लग रहा है कि देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और उन्हें क्यों लग रहा है कि भारत को फिर से जोड़ने की जरूरत है? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह बड़ी खबर जिसको लेकर जबरदस्त डिबेट्स होने चाहिए थे, आपके स्क्रीन पर यह है। स्टैन स्वामी, 84 साल के जेजुइट पादरी, जेल में इनकी मौत हो गई। ये गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे पीने के लिए एक स्ट्रॉ दे दीजिए, मगर मोदी सरकार ने इसका भी विरोध किया था। मगर आप जानते हैं क्या खबर आई है? खबर यह आई है कि स्टैन स्वामी के लैपटॉप में उसे हैक करके उसमें प्रमाण सबूत जो हैं वो डाले गए, ऐसे सबूत जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्टैन स्वामी का कोई दोष नहीं था। इतने दिनों तक, करीब 8 से 10 महीनों तक वो जेल के अंदर सड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपनी सेहत को लेकर गुहार लगाते रहे, आखिरकार उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया और फिर एक सोमवार उनकी मौत हो गई। अब यह खबर आ रही है एक अमरीकी इंस्टीट्यूट द्वारा पड़ताल के जरिए कि उनके लैपटॉप में ऐसे सबूत डाले गए जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। इन दो अन्य नामों पर गौर कीजिए, सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन।
स्टैन स्वामी वो तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं जिनके लैपटॉप को हैक करके उसमें प्रमाण डाले गए। दोस्तों रोना विल्सन है आपके स्क्रीन पर, आप जानते हैं रोना विल्सन का जो लैपटॉप हैक किया गया, वॉशिंगटन टाइम्स की इस खबर के मुताबिक उसमें करीब 30 ऐसी जानकारियां प्लांट की गईं, प्लेस की गईं, और इसमें एक था निहायत ही सनसनीखेज खत जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की बात तक की गई थी। यानी कि रोना विल्सन को इस तरह से उनका लैपटॉप हैक करके फंसाया गया था, अगर वॉशिंगटन टाइम्स की इस खबर पर विश्वास किया जाए। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्टैन स्वामी को लेकर खबर कहती क्या है। आज अगर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं तो उसका मकसद साफ है, वो ये तमाम खबरों को देख रहे हैं जिसमें लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्टैन स्वामी हो, सुरेंद्र गाडलिंग हो या रोना विल्सन हो, उनके लैपटॉप्स में सबूत, वो भी झूठे प्रमाण डालकर फायदा किसको हो रहा है? जाहिर सी बात है फायदा उनको हो रहा है जो इनका गिरफ्तारी चाहते थे। बहरहाल खबर क्या कहती है स्टैन स्वामी की, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कायदे से इस पर डिबेट होना चाहिए था मगर खामोशी बनी हुई है। देश के चर्चित भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अमेरिका की एक फॉरेंसिक फर्म ने दावा किया है कि एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी के कंप्यूटर को हैकर ने हैक किया था और उस पर आपत्तिजनक दस्तावेज जानबूझकर प्लांट किए थे और स्वामी को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई थी। उनके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में फेक दस्तावेज, नकली दस्तावेज डाले गए थे। आपको बता दें 84 साल के स्वामी की 5 जुलाई 2021 को हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। वो अस्थाई जमानत पर मेडिकल आधार पर अस्पताल में भर्ती थे। झूठे केस में फंसाना और उन्हें बेल इसलिए मिली थी क्योंकि उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। अब आप कहेंगे ये पड़ताल किसने की, तो वो जानकारी आपके सामने दोस्तों। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े केस में एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया था और जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। स्वामी के बारे में खुलासा मैसाचुसेट्स की डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सनेल कंसल्टिंग की ओर से किया गया था। द वॉशिंगटन पोस्ट में कंपनी की ओर से बात कही गई थी। आर्सनेल कंसल्टिंग, इस अमरीकी फर्म ने उनके कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी की जांच की दोस्तों, उसकी प्रति की जांच की और उसके बाद ये बातें सामने उभर कर आई हैं। आप मुझे बताइए ना, ऐसे में ये लोकतंत्र मजाक नहीं है तो और क्या है? आप किसी को भी फंसा सकते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई मेरे लैपटॉप को हैक करके उसमें अनाप शनाप जानकारियां डाल सकता है और मुझे फंसा सकता है, कोई भी फंस सकता है। ऐसे में क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? और जो स्टैन स्वामी के साथ हुआ, रोना विल्सन के साथ हुआ या सुरेंद्र गाडलिंग के साथ हुआ, क्या आप उस पर तालियां बजाएंगे? रोना विल्सन के साथ क्या हुआ दोस्तों, वॉशिंगटन टाइम्स क्या कहता है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शॉकिंग है, बताता हूं मैं आपको क्या कहा गया उसमें। Tuesday's report is the third that Arsenal has released in the case. The previous reports concluded that Wilson's laptop was hacked and more than 30 files, including an explosive letter mentioning a plot to assassinate Modi, were deposited on the computer. The Washington Post was the first to report that a hacker had planted evidence in the case. Kareeb 30 aisi jankariyan dali gayin जिसमें एक धमाकेदार चिट्ठी थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जानी चाहिए, इस तरह का दावा किया गया था। ऐसे में आप मुझे बताइए ना, रोना विल्सन का क्या गुनाह है? आप रोना विल्सन फादर स्टैन स्वामी के विचारधाराओं से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, उससे असहमत हो सकते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या झूठ का सहारा लेकर आप अपने विरोधियों पर निशाना साधेंगे? ऐसे में इस लोकतंत्र के क्या मायने हैं बताइए? शायद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इन्हीं मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं, मगर उनकी राह बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे प्रचार तंत्र के साथ है, एक ऐसी मशीनरी के साथ है जो साम दाम दंड भेद से अपने विरोधियों को कुचलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा किसी महाराजा से कम नहीं है, किसी बादशाह से कम नहीं है।
मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है दोस्तों, संसदीय बोर्ड की बैठक में देखिए प्रधानमंत्री जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जो पूरा संसदीय बोर्ड है बीजेपी का उनका स्वागत कैसे करता है, मानो कोई शहंशाह जो है वो चले आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री का क्या दर्जा है, और जब एक व्यक्ति को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है तभी उसकी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती दोस्तों। सुनिए देखिए। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी की चुनौती यह है कि उनका सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना है, एक ऐसा व्यक्ति जिनकी छवि को लगातार आगे बढ़ाने का किरदार न सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र है बल्कि मीडिया भी कर रहा है। आप मुझे बताइए ना, पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसको लेकर खबर चल रही है, मगर दोष किसको मढ़ा जा रहा है? तमाम न्यूज चैनल्स को देखिए, नेहरू पर दोष मढ़ा जा रहा है, तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, उन पर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी तरफ से ढेरों सवाल कर रही है प्रमाण के साथ। उन मुद्दों पर यह पूरा मीडिया कोई सवाल नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री को इस तरह से बचाया जाता है। राहुल गांधी का मुकाबला ऐसे शख्स के साथ है, आप बताइए ना, ऐसे में ऐसे शख्स के साथ मुकाबला संभव है क्या? नामुमकिन है। बहरहाल आज की दूसरी बड़ी खबर जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भी जुड़ी हुई है वो ये कि नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। इसका मतलब यह साफ है कि नीतीश के उत्तराधिकारी तेजस्वी हैं और अब बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने की। नीतीश कुमार ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और न ही मुख्यमंत्री चेहरा, मेरा एक लक्ष्य है बीजेपी को हराना। तेजस्वी के बारे में उन्होंने एक बार फिर कहा, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जो बात नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बारे में कही है वो 24 घंटों में दूसरी बार है। इससे पहले में नालंदा में यही बात उन्होंने कही, खबर आपके स्क्रीन पर। नालंदा में उन्होंने क्या कहा, हमारे तेजस्वी जी हैं, इनको हम बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, जितना करना था कर दिए, इनको और आगे करना है। आप लोग एक एक बात समझ ही रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने का, हमको सेवा करना था कर लिए। सुनिए नीतीश कुमार ने दरअसल कहा क्या था। आप लोग तो इतना कर ही लिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। दोस्तों आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि दरअसल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में समानताएं क्या है। यह मत भूलिए कि तेजस्वी यादव को दोबारा जेल में डालने के लिए सीबीआई जाती है अदालत और कहती है कि ये हमें धमका रहे हैं, ये बेल के जो कंडीशंस हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लिहाजा हम इनकी बेल रद्द करना चाहते हैं, इन्हें फिर से जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं ना दोस्तों, उस तरह से तो अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, जैसे ही उनके मंत्री के घर पर रेड पड़ती है जिसमें करोड़ों रुपए सामने उभर कर आते हैं, तब वो अचानक अपना रुख बदल लेती हैं। आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर उनके रुख में एक नरमी दिखाई देने लगती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो 3 चेहरे हैं, चाहे ममता बनर्जी हूं, अखिलेश यादव हूं या तेजस्वी, एक तेजस्वी ही हैं जो कड़ाई से बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं।
धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं और डरते नहीं है बीजेपी से। यह समानता है राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में। ये दोनों कहने को बिहार में साथी हैं, मगर आप भी जानते हैं बिहार में तेजस्वी को नीचे लाने का काम भी कांग्रेस ने भी कई मायनों में किया है। मगर जहां तक राजनीतिक शख्सियत की बात है, दोनों ही नेता धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करते। नंबर दो, दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि देखिए तेजस्वी का तो अपना एक इतिहास है ना। तेजस्वी के पिता, याद कीजिए, 90 के दशक में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था, क्योंकि लालू जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे वो देख रहे थे कि आडवाणी जी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां वहां दंगे हो रहे थे। लालू को इस बात का आभास था। 90 के दशक में जो लालू ने किया, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई। नतीजा ये कि चारा घोटाले में वो जेल में थे। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो जाहिर सी बात है उसे जेल में होना चाहिए, मगर आप मुझे बताइए ना, आजाद भारत के इतिहास में कितने राजनेता जो हैं वो इस तरह से जेल में वक्त बिताते हैं। और आप मुझे बताइए, अगर लालू प्रसाद यादव नतमस्तक हो जाते बीजेपी के सामने तो क्या उन्हें जेल भेजा जाता? नहीं भेजा जाता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव में भी खून है लालू यादव का और राहुल गांधी। उनकी मां सोनिया गांधी पर जो निशाना साधने की कोशिश की गई है, भाजपा के प्रचार तंत्र ने जिस तरह से उन पर निशाना साधा, यह अप्रत्याशित है। इसलिए राहुल भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ यानी आरएसएस का विरोधी रहा है, इसलिए इन दोनों में एक समानता है। बहरहाल, बोल के लब आजाद हैं। मैं बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।